नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ एक लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी के द्वारा जारी किए जाने वाले रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करेंगे, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी से संबंधित। तो दोस्तों, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रुप या ग्रेड सी और डी रिक्रूटमेंट 2024 के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जाएगा। पदों से संबंधित पूरी जानकारी यहाँ हम दे रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर हम पहुंच चुके हैं। स्टेनोग्राफर सी और डी से संबंधित यहाँ ईयर वाइज एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाई देंगे। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2023-2024 का एडवर्टाइजमेंट जल्द ही आपके सामने आयोग के द्वारा जारी किया जाएगा, इससे संबंधित जानकारियां हम दे रहे हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन 2024, इसके अंतर्गत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फ़ीस, अप्लाई डेट, ये सभी इसके दौरान हम आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे वीडियो के दौरान। स्टेनोग्राफर नोटिफिकेशन 2024 जारी किया जाएगा 16 जुलाई 2024 को। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 14 अगस्त 2024 ग्रेड सी और डी के पदों के लिए, और ग्रुप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी के लिए जो एग्जामिनेशन होगा, रिटर्न एग्जामिनेशन, अक्टूबर नवंबर 2024 में इनका आयोजन किया जाएगा। पदों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी एग्जामिनेशन 2024, ये राष्ट्रीय स्तर पर एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाता है एसएससी के द्वारा। ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा 16 जुलाई 2024 को। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे 16 जुलाई 2024 से। ऑनलाइन अप्लाई करने और फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि रखी गई है 16 जुलाई से 14 अगस्त 2024 के बीच में। एग्जामिनेशन डेट निर्धारित की गई अक्टूबर नवंबर 2024 में। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in, इस पर जाकर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आवेदक के पास में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आवेदक इंडियन सिटीजन होना चाहिए, नेपाल भूटान तिब्बत का रहने वाला भी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट, आवेदक 30 साल से कम आयु सीमा रखता हो, यानी 18 से 30 साल के बीच में आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ओबीसी को यहाँ पर 3 साल तक का रिलैक्सेशन होगा, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल तक का रिलैक्सेशन यहाँ पर आयु सीमा में दिया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आवेदक के पास में एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रुप सी एंड डी के लिए आवेदक इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, यानी 12वीं क्लास पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी भारत में स्थित शिक्षा बोर्ड से। साथ ही आवेदक को स्किल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको पूरा करना पड़ेगा। स्टेनोग्राफिक टेस्ट आवेदक को पास करना होगा। 80 वर्ड पर मिनट स्पीड स्टेनोग्राफी में आवेदक की होनी चाहिए। एग्जाम पैटर्न जो होगा, यहाँ पर कंप्यूटर आधारित एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। 200 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे, जिनमें से 50 प्रश्न होंगे इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग पर, 50 प्रश्न जनरल अवेयरनेस पर, 100 प्रश्न होंगे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित। इस परीक्षा की अवधि, सीबीटी एग्जाम की अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे का समय यहाँ पर आपको दिया जाएगा। इसके साथ ही स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा, हिंदी या इंग्लिश में, जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करते समय। एप्लीकेशन फ़ीस यहां पर ओबीसी और अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस को 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है। एससी एसटी वोमेन पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। फ़ीस का पेमेंट ऑनलाइन मोड में आपको करना होगा। तो दोस्तों, स्टेनोग्राफर ग्रुप सी और डी के पदों से रिलेटेड जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है, उसका जो वेबसाइट के माध्यम से वो जारी किया जाएगा 16 जुलाई को। 14 अगस्त 2024 तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे एसएससी के माध्यम से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के पदों के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में ही आवेदन कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी आपको इन पदों के लिए
थोड़ा इंतज़ार करना होगा। जैसे ही ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया जा सकता है जाएगा, तो आप इन पदों के लिए ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये एक आपको प्री इंफॉर्मेशन देनी थी इन पदों से संबंधित, ताकि आप अपने आप को तैयार कर सकें और अपने आपको जो दिया गया सिलेबस है एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफी ग्रुप सी और डी के पदों के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दें। स्टेनोग्राफी स्पीड को अपनी को बढ़ा लें, उसके लिए प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें, जिससे आपको इन पदों में आसानी से जीत हासिल हो जाए या फिर सफलता हासिल हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए नई वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन चैनल छोड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएँ।